जय हिंद प्यारे बच्चों। तो फाइनली आप सभी की इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो जो भी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट यहां पे निकल के आ चुकी है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, सिलेबस क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और भविष्य में अगर आप हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको रेगुलर सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही में मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल के लिए निकाली गई है। इसके लिए पुरुष एंड महिला दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अब आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है और तैयारी के लिए आपको बेस्ट बुक मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई है, जो अग्निवीर वायु की आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे अग्निवीर वायु के लिए आप सभी को विज्ञान विषय ग्रुप एक्स के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को मिल जाते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ एंड आपको फिजिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी आप सभी को मिल जाएगा, 40 सेट आप सभी को इसमें मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप बाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो बाई ग्रुप के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ, 25 सेट आप सभी को मिल जाएंगे। तो लास्ट ईयर के आपको सॉल्यूशन भी इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए आप सभी को बुक मैंने सजेस्ट कर दी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके बुक को ऑर्डर करके अभी से अपने प्रैक्टिस में लग जाइए ताकि इस बार आपका एयरफोर्स अग्निवीर वायु का सपना पूरा हो सके। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं इंटेक 2025 वाला जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी का यहां पे रिलीज हो चुका है। आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया है। साथ ही में ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 17 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 6 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान रखिएगा 17 जनवरी और लास्ट डेट है आपकी 6 फरवरी 2024। इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएंगे वो प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, 17 मार्च 2024 को। तो आपके पास लगभग जो समय बचा है वो आपको यूटिलाइज करना है, 2.5 महीने का समय है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद तैयारी करोगे तो इतना सफिशियंट समय आपके पास नहीं होगा, तो अभी से आपको इसके लिए तैयारी करना है। साथ ही में ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का वन बाय वन करके मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है कि कब से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एग्जामिनेशन डेट 17 मार्च रहेगी। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, तो 17 जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए फॉर्म। फिर बात आती है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें सबसे पहली बात आती है एज लिमिट, कि यहाँ पे एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई सन 2007 के बीच में हुआ है और ये दोनों डेट इंक्लूड हैं, यानी कि 2 जनवरी सन 2004 को हुआ हो या 2 जनवरी सन 2007 को हुआ हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है, इसमें रिलैक्सेशन वगैरह मिलता नहीं है। जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें यही वाला क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अगर आपकी इसके बीच में जन्म हुआ है, जन्म तिथि है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है कि इन केस ए कैंडिडेट क्लियर ऑल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। तो यहाँ पे 21 साल अपर एज लिमिट होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप सभी की नहीं होनी चाहिए एनरोलमेंट के टाइम। साथ ही में यहाँ पे जैसे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से केवल ओनली अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। अगर कोई भी कैंडिडेट शादीशुदा है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बात आती है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो साइंस सब्जेक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एक्स ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट पास होने चाहिए वो इंटरमीडिएट 10+2 यहाँ पे क्वालिफाई आप सभी का होना चाहिए।
साथ ही में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी हैं अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड द 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए वो आपकी 50% होनी चाहिए। किसी सब्जेक्ट में कम भर्ती है तो चल जाएगा, बट इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। जैसे कि एक तो मान के चलो आपके ओवरऑल 50% आ रहे हो और इंग्लिश में 50% आ रहे हो और फिजिक्स में अगर आपके 40वीं नंबर हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल 50% का क्राइटेरिया है और इंग्लिश का क्राइटेरिया कितने का है 50% का, तो इन दोनों कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग में, जो कि आप सभी को दे रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस में आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे 50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए, साथ ही में इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं और अदर देन साइंस स्टूडेंट हैं और बाय ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बाय ग्रुप के लिए यहाँ पे आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे 10+2 आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट, यानी कि कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है कि आपके पास इंग्लिश हो या मैथ हो या फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 12th पास आपने कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ये जो कंडीशन है दोनों जगह एप्लीकेबल होगी, 50% मार्क्स ओवरऑल और 50 मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अब क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया, एज लिमिट क्लियर हो गई, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी दी गई हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो इन्हें जरूर से पढ़ लें, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा बात आती है पीएसटी यानी कि हाइट की, तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए लंबाई जो होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या हिली किसी रीजन से हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पे आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप लक्षद्वीप से हैं तो यहाँ पे आपकी जो हाइट होगी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट आपकी चेक की जाती है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट होनी चाहिए वो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि 77 से 82 सेंटीमीटर यानी नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। साथ ही में पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे, फॉर फीमेल कैंडिडेट द चेस्ट वॉल शुड हैव बी प्रोपोर्शन एंड द वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने पहली बार ही देखा है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए भी चेस्ट का एक्सपेंशन जो मांगा गया है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपकी कितनी भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशंस आप सभी को बताई गई हैं कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन फुलफिल करने चाहिए, हेयरिंग हो गया, डेंटल हो गया, विजुअल स्टैंडर्ड वगैरह आपको बताया गया है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर पाएंगे जिसमें आपको क्या है सैलरी वगैरह के बारे में सारी चीजें क्लियर की गई हैं। तो देखिए सैलरी वगैरह के बारे में हम नहीं चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज वगैरह में आप सभी ने देख ही रखा होगा कि इसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्या क्या सैलरी वगैरह आपका रहता है। हम केवल प्रोसेस के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे, बाकी का सैलरी वगैरह का आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे फिर बताया गया सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आप सभी को बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो फेज 1 आपका एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है। तो यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं विल बी सेंट एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 और टेस्टिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो यहाँ पे उनकी रजिस्टर्ड आईडी पे भेज दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए और जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना एडमिट कार्ड क्या कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया है, तो सिलेबस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे जो एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट का आपको टेस्ट को करने का समय दिया जाता है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपका इंग्लिश रहता है, जो कि 10+2 लेवल का आपका आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। अगर आप अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट हैं यानी कि वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका इंग्लिश साथ ही में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसे रागा के नाम से आप जानते हैं, 10+2 लेवल का आपका आता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि कैंडिडेट चाहे तो यहाँ पे एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन देते हैं तो टोटल टाइम आपको दिया जाता है 85 मिनट का, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आप सभी का रहेगा, साथ ही में यहाँ पे जनरल इंग्लिश आप सभी की रहेगी यानी रागा। तो टोटल आपको 85 मिनट का समय आपको दिया जाता है, क्योंकि दोनों पेपर में एक चीज कॉमन है, केवल इंग्लिश, तो इंग्लिश एक हो जाएगी, बाकी का यहाँ पे रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपका एड हो जाता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका यहां पे ऐड हो जाता है। तो यहां पे आप सभी को बताया गया है कि जो आपके नंबर वगैरह दिए जाते हैं, मार्किंग पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो यहां पे हर एक सही क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको दिया जाता है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 अंक यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। तो ये तो हो गया फेज वन, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसी के बेसिस पे आप सेकंड फेज के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं। और इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइज स्कोर जो भी आपका रहेगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया कि कैंडिडेट को इन इस पेपर में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना होगा इन साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट में, यहाँ पे विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ, तब जाके आपका जो रिजल्ट बनेगा फेज वन का, उसी के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर द फेज सेकंड। तो इसी के परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपका न्यू एडमिट कार्ड, यहाँ पे फेज वन में जो भी शॉर्ट लिस्टेड होता है न्यू एडमिट कार्ड आप सभी को आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। और उसके बाद आपकी कुछ डिटेल्स हैं, जिसमें आपको कलर प्रिंट आउट लेके आना होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे भी ये सभी इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए जाते हैं। फिर आप सभी को वेरिफिकेशन किया जाता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह का, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि फेज टू यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप सभी का PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे होता है, जिसे PFT हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे PFT जो होता है पार्ट वन एंड पार्ट टू, दो PFT आप सभी के होते हैं। अगर मैं PFT वन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि मेल कैंडिडेट है तो 7 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी 1.6 किलोमीटर की। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट में। तो ये टाइम आपको क्लियर होना चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट है। इसके अलावा PFT टू जो पार्ट होता है, इसमें क्या होता है 10 पुशअप्स आपको करनी होती है, 1 मिनट का समय आप सभी को दिया जाता है मेल कैंडिडेट को, 20 सिटअप करनी होती है 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स आपको करने होते हैं 1 मिनट में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। 10 मिनट का ब्रेक पहले दिया जाएगा, फिर 2 मिनट का, फिर 2 मिनट का आपको यहाँ पे ब्रेक दिया जाता है मेल कैंडिडेट को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर यहाँ पे बात आती है फीमेल कैंडिडेट की, तो 10 सेटअप आपको करनी होती है 1 मिनट 30 सेकंड में, और 15 स्क्वाट आपको 1 मिनट में करने होते हैं। पहले आपको 10 मिनट का रेस्ट मिलता है, बाकी का फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलता है 10 सेटअप कंप्लीट करने में, बाकी के फिर 5 स्क्वाट्स भी होते हैं, वो अलग से आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया कि भाई फिजिकल आपको क्या-क्या क्वालिफाई करना है, सिलेबस आपका क्या है, एग्जामिनेशन वगैरह सारी चीजें मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पे क्लियर कर दी हैं। फिर आपका यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप सभी का होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है उसके बाद, तो यहाँ पे ये भी आपको कंप्लीट करना होता है। सबसे लास्ट में जो आपका होता है वो होता है फेज थर्ड, और फेज थर्ड में क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो मेडिकल कंडीशन आपकी देखी जाती है, सारी चीजें यहाँ पे मेडिकल टेस्ट वगैरह आप सभी के होते हैं, ECG वगैरह होता है, इसमें आपको फिट होना होता है, और अगर आप इसमें फिट पाए जाते हैं तभी आप यहाँ पे अग्निवीर वायु के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। बाकी का फिर आपकी जो मेरिट बनती है वो मेरिट आप सभी की बनती है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है फेज वन का, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है। तो वो सारी चीजें आप सभी को दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको टेलीग्राम पे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी का अप्लाई करने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं,
और साथ ही में अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस यहां पे क्या रहेगी, तो यहां पे एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस के लिए ₹550 प्लस जीएसटी आपको फीस पे करनी होती है, और ये सभी कैंडिडेट के लिए इक्वल है, किसी भी कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता है। तो ₹550 एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। साथ ही में डेट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दिए कि कब से लेके कब तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल लिस्ट वगैरह जो होगी वो कब जारी होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 6 फरवरी 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो बिना देरी आप फटाफट से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्यूचर में भी इसी तरीके से हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।